देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार दल है और इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि जिस तरीके से सीए लागू होने के बाद विपक्षी दलों ने इस पूरे उत्तर प्रदेश में देश में जिस तरीके से एक बार आग लगाने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की, भ्रम भ्रांति फैलाने की कोशिश की, पार्टी ने निर्णय किया कि अलग अलग कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से गांव-गांव गली गली जाएंगे, लोगों को कानून के बारे में बताएंगे और लोगों को इसके विषय में जागरूक करेंगे। और मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे कार्यक्रमों में पार्टी के ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोग भी, और मैं तो कह सकता हूँ कि विभिन्न दलों के लोग भी मैं इसमें शामिल हुए और हमारे कार्यक्रमों को सफल बना रहे। शाहीन बाग में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है महीनों से, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि इसमें कानून को अपना काम करेगी और इस तरीके से कोई किसी भी चीज़ को बिल्कुल अपने कब्जे में लेकर कोई ये सोचे कि देश को चला लेगा तो ऐसे नहीं होगा और सरकार शासन प्रशासन अपने तरीके से उस पर काम करेगी। शाहीन बाग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और कानपुर में भी प्रदर्शन होने लगे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हमारे मैं कह सकता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही त्वरित रूप से और एक कड़ा संदेश उन्होंने दिया था और जिसके बाद दंगा फैलाने वाले लोग अपने आप सड़कों पर आकर माफ़ी मांगने के लिए भी मजबूर हुए थे। तो ऐसे लोग जो ज़बरदस्ती लोगों को दिक्कत पैदा करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, मैं समझता हूं लोगों के आम जनजीवन को बाधित करने की कोशिश करेंगे, सरकार कानून अपना काम करेगी। कड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ भी? निश्चित रूप से की ही जाएगी। और ऐसे लोग जो भी, मैंने कहा कि ऐसे जो भी लोग जो सरकारी संपत्ति को नुकसान करते हैं, लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त ठप करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस के बड़े नेता हैं मणिशंकर अय्यर जी, दो दिन पहले लाहौर गए, सीधा लाहौर से शाहीन बाग सभा स्थल पर, क्या कहना है आपका? देखिए, देश के लोग इस अपने आप इस पर निष्कर्ष करेंगे। अपने देश में बात, अपने देश में रहकर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं और बाहर जाकर भी अपने देश को ही लोग अगर अपमान करने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता ऐसे लोगों को जवाब देना जानती है। आप पार्टी में पदाधिकारी भी हैं, महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरीके से प्रियंका गांधी हमलावर हैं उत्तर प्रदेश में और एक्टिव हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक्टिव तो मैं सड़कों पर तो मैं मुझे अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हाँ, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से लोगों ने ज़रूर बताया है कि उत्तर प्रदेश के कभी कभी कुछ घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया आती है और वह भी कुछ जो दंगे के कारण जिन लोग जो हताहत हुए, जो परेशान हुए, उनके साथ खड़े होने के बजाय कांग्रेस पार्टी के नेताओं की संवेदना जो दंगा भड़काते हैं ऐसे लोगों के साथ होती है, तो ये हम सब लोग देखा करते हैं।